हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं फिर से एक वायरल प्रोडक्ट लेके आई हूँ आपके लिए। और इस बार मैंने बालों से रिलेटेड कुछ चीज़ मंगाई है और उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपके साथ ही करूँगी कि देखते हैं वो प्रोडक्ट कैसा है और उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने उसको कभी भी यूज़ नहीं करा है। सिर्फ मैंने बहुत सारे वीडियो में देखे थे लोगों ने इसको यूज़ करते हुए। और मैंने जो मंगाया है इस बार वो है हीटलेस, जो कलर होते हैं ना ऐसे पाइप जैसे होते हैं, उसमें बालों को लपेटना है और आपके बाल थोड़ी देर में कर्ल हो जाते हैं, क्योंकि बाल स्ट्रेट है तो कर्ली बाल कभी कभी अच्छे लगते हैं, उनको स्टाइल करने में आसानी होती है। स्ट्रेट बालों में तो कुछ भी स्टाइल नहीं होता है। तो चलिए देखें, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और इतने सी पता नहीं कितने इसमें हैं पीसीस, और एमेजोन ने कितने बड़े उसमें मेरे को डिब्बे में दे रखा है। बाप रे, कैसे करना है इसको ही डिब्बा है कि डिब्बे में कुछ है भी। अनबॉक्सिंग इतनी मुश्किल है, इसको लगाना कितना मुश्किल होगा। मुझे नहीं आ रहा इसका हाथ में जादुई डिब्बे में से निकला है ये। और इसमें है इस तरह के, ये जो है ये डंडियाँ सी फ्लेक्सिबल डंडियाँ हैं ये, और इसमें पूरे ये 10 है। और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कितना प्राइस है इसका। तो चलिए पहले इनको लगाते हैं, इनको बाहर निकाल लेती हूँ मैं सबको। ये एक एक करके यहाँ पे रख देती हूँ। तो पहले इसको लगाना है, तो आप अपने बालों को थोड़ा सा, मतलब 10 हैं तो 10 हिस्से में डिवाइड करके फिर इसको लगा सकते हैं। और बहुत इजी है इसको लगाना, ऐसे पकड़ना है ऐसे, और फिर ऐसे करके आपको रोल करने हैं अपने बालों को अच्छे से इसमें ऐसे। ये आप इसको रात भर में लगा सकते हैं और फिर इनको ऐसे करके मोड़ दीजिए जैसे भी आपकी इच्छा है ऐसे करके। तो ये सारे लगा लिए हैं मैंने, अब इनको थोड़ी देर रखना है और थोड़ी देर बाद मैं इनको खोलूंगी, देखते हैं हमारे जो बाल हैं वो कर्ल हुए कि नहीं हुए। क्योंकि मैंने पहली बार इसे यूज़ करा है तो मुझे अच्छे से आया नहीं, क्योंकि इनको बहुत मतलब अच्छे से ऊपर करके टाइट से लगाना होता है, तो मेरे कुछ ही लूज़ हो गए हैं। पर कोई नहीं, अगली बार मैं बहुत अच्छे से लगाऊंगी। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में जब मैं इनको खोलूंगी। तो ये खोल ली है मैंने अपने सारे रोलर और काफ़ी अच्छे से बाल कर्ल हो गए हैं। मैंने इसको पहली बार यूज़ करा है तो इसलिए थोड़ा सा ये लूज़ हो गए थे कहीं कहीं पे। और आपने जो करना है उसको ऐसे रख कर बहुत टाइटली इसको करना है, तो ये और अच्छे से कर्ल होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसको जो बोलते हैं वो है हीटलेस कर्लर, मतलब के नाम से ही ये आते हैं। ये मैंने लिया था अमेजोन से और इसका जो प्राइस है वो है 250। और 250 में ये इस तरह के 10 जो है ये डंडियाँ, मतलब जो फ्लेक्सिबल ये रॉड सी मिलती है ये, और 10 में आपके बाल काफ़ी अच्छे से आ जाएंगे। तो मैंने सिर्फ इसको 1 घंटा रखा था और आप इसको 2 से 3 घंटे रखेंगे तो बाल जो है वो और भी अच्छे से कर्ल हो जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। इसके बाद आप इस पर अच्छा हल्का सा एक वो लगा सकते हैं, सेटिंग स्प्रे जो भी लगाते हैं जिससे बाल सेट रहते हैं काफ़ी देर तक, और फिर वो ऐसे ही रहते हैं। हालांकि मेरे बाल बहुत स्ट्रेट है, अगर मैं लेकिन ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं पार्टी वगैरह में जाऊंगी तो शायद इसी तरीके का कलर इसी को ही यूज़ करके जाऊंगी, क्योंकि इसको फिर मैं अगर ऐसे लगाऊंगी तो थोड़ा सा क्लचर भी थोड़ी देर टिक जाएगा बालों में। और आप देख सकते हैं ऐसे कितने अच्छा लग रहा है ये। तो आप लोग भी ले सकते हैं इसको।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से वायरल प्रोडक्ट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।